last month, setting aside all spending from cars and trucks, fuel and building materials, retail sales went up. चलो तुम्हारे फ्लैट का तो इंतजाम जी अंकल, ये बहुत अच्छा हो गया। मैं वैसे भी अकेला रहना चाहता था और शफीक अंकल भी यही चाहते थे कि मालक फ्लैट ले लूँ। अच्छी बात ये हुई है कि दो स्टूडेंट्स मिल गए हैं जो मेरे साथ अपार्टमेंट शेयर कर लेंगे। घर वालों को भी टेंशन नहीं होगी कि मैं अकेला कैसे रहूँगा। मैं तुम्हारी और शफीक की जिद पे मान तो गया हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम हमारे साथ रहते। सो स्वीट ऑफ यू अंकल, थैंक यू। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि तुम शफीक के सगे भतीजे हो, बल्कि तुम मुझे बचपन से ही अजीज हो। अंकल मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अगर अकेला रहूँगा तो काफ़ी कंफर्टेबल रहूँगा। चलो मैं तुम्हारी अकेले रहने की जिद तो मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी बोले। तुम हर वीकेंड हमारे साथ गुजारोगे, मेहमान बनकर नहीं, अपना घर समझ कर। ऑफ कोर्स अंकल, मेरा अपना घर है। मैं वीकेंड्स पे क्यों, मैं वैसे भी आ जाया करूँगा। कॉफ़ी का मूड है, कॉफ़ी पिए? जी जी बिल्कुल। क्या कर रही हो? इर्तिजा को खत लिख रही हूँ। क्या देख रहे हैं? इतना लंबा खत लिखा क्या इसमें? जो भी लिखा है आपसे मतलब? रहम करो उसकी हालत में। स्टडी पे तवज्जो देंगे या तुम्हारे इतनी लंबी लंबी दास्तानें सुनेंगे?